CAA, NRC और NPR के विरोध में पातुर शहर में कुल जमाती तंजीम की ओर से आक्रोश सभा का आयोजन किया गया। पातुर शहर के गोन्नी ग्राउंड में कुल जमाती तंजीम की ओर से जन आक्रोश सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्म के धर्म गुरु मंच पर उपस्थित थे। और इसी तरह ठीक 2 बजे के दरमियान माननीय जितेंद्र राज्य मंत्री ने अपना कीमती वक्त निकालकर मंच पर भेंट दी और अपने भाषण में NRC का विरोध जताया और कहा कि मुसलमानों, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। इस कायदे का झटका सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं बल्कि पूरे अल्पसंख्यक समाज को है। हम संविधान के अंदर बदलाव नहीं करने देंगे। इस कार्यक्रम में मंच पर मौजूद मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब, मुफ्ती अशफाक कासमी साहब, मौलवी वसीउल्ला साहब, एडवोकेट मोहन मानकर, महेंद्र सलूजा, अहमदाबाद के एडवोकेट अमजद अली, कारी तौसीफ साहब उपस्थित थे। इसी तरह नगर परिषद अध्यक्ष सौभाग्यवती प्रभाताई कोथड़कर, हाजी सैयद बुरहान, सैयद मुजाहिद, सैयद कमरुद्दीन, हिदायत खान, दीपक सुखाड़े भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में नागरिक मौजूद थे। सूत्र संचालन शमशेर सर ने किया और आभार प्रदर्शन आरिफ जागीरदार ने किया। कैमरामैन हसन बाबू के साथ इरफान अहमद शेख की रिपोर्ट। न्यूज़ में आपका स्वागत है। और NRC और CAA को लेकर हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इसी तरह से आज अकोला जिला के पातुर शहर में भी एक प्रोटेस्ट रखा गया है, जिसमें हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग शामिल है और इसका अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से लोग जमे हुए हैं अपने हाथों में बैनर और ये लेकर। तो आज यहाँ पर हमने देखा कि अखिल भारतीय मराठा महासंघ, इसने अपने तरफ से इस प्रोटेस्ट में पानी का इंतज़ाम किया है। तो हम यहाँ पे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर किस तरह का प्रोटेस्ट हो रहा है। आज पातुर शहर में कुल जमात हिंद की जानिब से, कुल जमात तंजीम हिंद की जानिब से NRC के और जो है हुकूमत के जो मुखालिफत कानून बनाए गए हैं उनके ख़िलाफ़ में यहाँ पर एक एहतजाजी प्रोग्राम रखा गया है। और इस प्रोग्राम में हमको सभी धर्मों के लोगों का जो है यहाँ पर सहयोग मिल रहा है। पातुर शहर के तमाम ही व्यापारियों ने और नागरिकों ने जो है अपनी दुकानें बंद करके इस प्रोग्राम को जो है कामयाब बनाने के लिए अपने अपने हिसाब से इस प्रोग्राम को जो है प्रोटेस्ट किया है। और मराठा महासंघ की ओर से यहाँ पर पानी का इंतज़ाम किया गया है। मैं उनका जो है आयोजकों की ओर से धन्यवाद मानता हूँ। आज 12 जनवरी 2020 को पातुर की सरजमीन पर कुल जमाती तंजीम की तरफ से NRC के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा इज्तिमा मुनक़िद किया गया, जिसमें तमाम उलमाए किराम, सियासी हजरात और मजहबी लोगों ने शिरकत की और सभी ने NRC के ख़िलाफ़ बयानात देकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये दरख्वास्त की कि इतनी सारी इज्तिमात के बाद में गवर्नमेंट ने इस पर तवज्जो देना चाहिए और इतने सारे लोगों की आरज़ुओं को खून नहीं करना चाहिए। इसके लिए ज़रूरत है कि मोदी हुकूमत जो है, जिसका उन्होंने NRC कानून पास किया है, ज़रूरत है कि वो उस कानून को वापस ले ले और उसको रद्द कर दे, ताकि सारा हिंदुस्तान जो है अमन अमान शांति के साथ में अपनी ज़िंदगी गुजार सके। ऐसा सबने इस मैदान के अंदर बयान दिया और हम दुआ करते हैं कि रब तबारक व तआला हमारी इस इज्तिमा को कामयाब फरमाए और आइंदा भी जो प्रोग्राम होंगे हम मुत्तहिद होकर इसका रद्द करते रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मुत्तहिद होने की तौफीक अता फरमाए। मोरखा 12 जनवरी को पातुर ज़िला अकोला के गोन्नी ग्राउंड पर कुल जमाती तंजीम पातुर की जानिब से जो अज़ीमुश्शान एहतजाजी जलसा आम रखा गया था, जिसकी सदारत मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब क़िबला रिज़वी कारंजवी ने फरमाई, जिसमें तमाम मसालिक और जमातों के उलमाए कराम शरीक रहे और पातुर के ज़िम्मेदारों ने, यहाँ के उलमा ने, यहाँ के समाजी सियासी कारकुनान ने, यहाँ के वकला हजरात ने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए जी तोड़ कोशिश की और हज़ारों की तादाद में पातुर और पूरी तहसील से यहाँ पर मुस्लिम गैर मुस्लिम अवाम जमा हुई। और इस प्रोग्राम में यह तय पाया कि आने वाले 1 अप्रैल से
जो एनपीआर मोदी इस देश में लागू करने की बात कर रहा है, हम सब मिलकर उसका बायकॉट करेंगे, हम कोई कागज नहीं दिखाएंगे। सर अभी ये जो है तो यहाँ पे तो एक्ट लागू हो गया है सर जुमा के दिन से, तो ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा आपका? एक्ट CAA एक्ट को नोटिफाई किया गया है, लेकिन उसके नोटिफिकेशन से क्या होता है, कोई भी कानून उसी वक्त नाफिज होता है जब उसको आवाम तस्लीम करेगी, और इस मुल्क की 95% आवाम उस कानून को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, लिहाजा वो नोटिफिकेशन अल्लाह ने चाहा तो बेकार जाएगा। और 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है, हमको ऐसी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस कानून को रद्द कर देगा।